सो so गाइज आप काउंट डाउन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब जो व्यू आने वाला है ना वो बेस्ट टू बेस्ट नाहरगढ़ का व्यू आपके पास आने वाला है एंड फ्रेंड बने अभी स्विट्जरलैंड से सो गाइज uh, so, <laughs> <laughs> so ये है वो पीक टाइम जो यहाँ के लिए फेमस तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जयपुर के नाहरगढ़ में जो पड़ाव रेस्टोरेंट है ना उसके बारे में सारी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सारी डिटेल्स में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ नमस्कार जैसे मंगनी मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर जयपुर और आज आपका मिस्टर जयपुर आ चुका है पड़ाव रेस्टोरेंट पर जो कि नाहरगढ़ के फोर्ट के अंदर है और मतलब यहाँ पर सनसेट पॉइंट बहुत ही शानदार आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं पूरी वीडियो डिटेल से होने वाली है आपका क्या काम है चैनल को सब्सक्राइब करना है लाल कलर का बटन आ रहा हूँ उसको दुमा की चैनल को सब्सक्राइब कर मस्त मस्त वीडियो के लिए और लाइक और शेयर तो करना मत भूलिएगा ठीक है तो जल्दी से चलते हैं हम थोड़ा सा अंदर वगैरह बाहर वगैरह जितना भी उसका सीन है ना पूरा दिखाएंगे आपको आपको बस वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखनी अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो ठीक है यदि तो आप पड़ाव रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आपको फोर्ट की जो टिकट है ना वो तो परचेस करनी ही पड़ेगी और आगे जाके पड़ाव की भी जो टिकट है ना वो भी आपको शायद परचेस करनी पड़ेगी वो आगे जाके हमको पता चलेगा तो ये फोर्ट की टिकट है तो फोर्ट की टिकट ये चेक होगी पड़ाव की भी टिकट लगेगी आगे हाँ, पड़ाव की सौ रुपए पर है सौ रुपए पर हेड है ठीक है और खुले ना खुले लेके आना कार खुले लेके आना सो so गाइज़ अभी जो है हमने ना एंट्री कर ली है फोर्ट की टिकट भी परचेज़ कर ली है फोर्ट की टिकट जो इंडियन की है वो पचास रुपए अगर स्टूडेंट है तो वो बीस रुपए और खुले आप चेंज लेके आओगे ना तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे क्योंकि वो लड़ने लग जाएगा टिकट वाला कि मेरे पास नहीं है ये नहीं है वो नहीं है बस हमारा जो मेन मोटो था आज पड़ाव रेस्टोरेंट का था तो फोर्ट तो शायद जाएंगे अगर टाइम मिलेगा तो हमारे पास टिकट तो है ही तो हम पड़ाव रेस्ट जाके अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम फोर्ट में भी चल जाएंगे ये फोर्ट है हमारे पीछे और आज ना पड़ाव रेस्टोरेंट की आपको पूरी डिटेल वीडियो मिलेगी ठीक है कि कितने की टिकट है अंदर क्या क्या है मेन्यू में क्या क्या है कौन कौन से चार कैटेगरी उसके अंदर है क्योंकि मैं आने से पहले थोड़ी रिसर्च करके आया हूँ और आर के अंडर आता है मतलब कि गवर्नमेंट जो राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट है ना उसके अंडर ये आता है मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट रेस्टोरेंट है जो पड़ाव रेस्टोरेंट है वो राइट साइड में एक रास्ता जा रहा है और ये जो फोर्ट के लिए अंदर जा रहा है ठीक है तो हमको चलना है इस साइड चलो हेलो मिस्टर बैन हाउ आर यू आई एम ऑल्सो फाइन ब्रो सो आज क्योंकि पहली बार एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा हमें ना टाइमिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना आप जब भी आओ ना एक बार टाइमिंग को बिल्कुल सेट करके आना क्योंकि हम जब घर से निकले थे ना तो हम बिल्कुल टाइमिंग को सेट करके निकले थे सो so गई जो बेस्ट टाइमिंग है ना वो आप अगर सर्दियों में आ रहे हैं यहाँ पर तो सबसे बेस्ट टाइमिंग है चार साढ़े चार बजे आप यहाँ पर पहुँच जाओ और अगर गर्मियों में आ रहे हो ना आप तो आप यहाँ पे आ जाओ छः सात बजे के लगभग ठीक है वो सबसे बेस्ट टाइमिंग रहता है क्योंकि जो पड़ाव रेस्टोरेंट है ना वो इसी के लिए जाना जाता है बेस्ट सनसेट पॉइंट और सनराइज़ पॉइंट सो so गाइज़ अभी शायद हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर और यहाँ पर जैसा कि आप देख भी सकते हैं ना सिटी लाइटिंग व्यू और एग्जॉटिक सनसेट पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा भैया टिकट लेनी पड़ेगी इसकी हंड्रेड रुपीज़ पर पर्सन ठीक है दो टिकट दे दो सो गाइज़ आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको है ना टिकट परचेज करनी पड़ेगी एंट्री टिकट तो ये अंदर इंक्लूड होगा या नहीं होगा सिर्फ ये एंट्री का टिकट है टी कॉफ़ी पर पर अच्छा इसमें मिल जाएगा मैं मतलब हंड्रेड में ठीक है तो आप इसमें दो सौ रुपये निकाल लो मेरे एक हाथ में कैमरा है ना इसलिए आपका नाम क्या है भैया कुल कुलदीप कुलदीप तो कुलदीप भैया ने बताया कि अंदर जो दो सौ रुपये के हमने टिकट लिए ना उसके अंदर हमें कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक या टी कॉफी कुछ भी हमको लेना हो अंडर टू हंड्रेड ठीक है थैंक यू कुलदीप फॉर इंफॉर्मेशन तो कहाँ से जाना पड़ेगा सर ठीक है यहाँ से ओके ये वाला सही चीज़ लगी है ना मतलब एंड मैं सोच रहा था कि एंट्री के ही यहाँ पर वो हैं टिकट ले लिया हमने टिकट कहाँ है टिकट ते तेरे, तेरे पास है क्या ने दिया वो तेरे पास है ये देख देंगे ये वाला ये है ना ठीक है तो गाइस हमने टिकट ले लिया है और 200 की टिकट आई है दो जनों की ठीक है तो पर पर्सन हंड्रेड रुपये की टिकट है इधर आ जा पर पर्सन हंड्रेड पे की टिकट है उसमें आपका जो भी आपका अंडर हंड्रेड आप परचेज़ करना चाहें ना अंदर से सो यू कैन परचेज़ ठीक है खाने पीने का आइटम जो भी है और ये देखिए कुछ ऐसा है यहाँ पर क्योंकि थोड़ी सांस फूल रही है क्योंकि चढ़ाई है ठीक है तो आप एडजस्ट कर लेना उसमें अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ तो ऊपर पहुँच चुके हैं ना तो अभी ऊपर चल के देखेंगे कि हमको कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना और मैं पहली बार यहाँ का एक्सपीरियंस करने आ रहा हूँ पर यह वादा है कि आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगी सोगाइस so अभी यहाँ पर रवि भैया हैं यहाँ पर ये मतलब कि यहाँ पर इनकी जॉब है तो भैया कि है। है, तो uh, so uh, मैं और बैन है ना यहाँ पर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके लिए बनाए गए हैं ताकि आप वहाँ पे फोटो क्लिक करा सकते हैं आप व्यू का नज़ारा ले सकते हैं ना बहुत ही शानदार वाइब है और यहाँ से आपको जो व्यू मिलेगा ना वो शायद नाहरगढ़ फोर्ट से भी ना मिले क्योंकि मिलेगा जो आपको फोर्ट से नहीं मिलेगा और फोर्ट से वो वाला व्यू मिलेगा जो यहां से नहीं मिलेगा ठीक है क्योंकि साइड है और ये थोड़ा सा लास्ट में पहाड़ पर आके है पे ना और ये हमारे साथ बहन है बहन आपका एक्सपीरियंस कैसा बढ़िया है बढ़िया है ना व्यू कैसा लगा सबसे पहले व्यू अच्छा मैंने देखा नहीं मैंने सोचा नहीं था कि पास में होगा है ना ये ये देखो ये यहाँ का व्यू है कुछ और यहाँ पर ना तीन चार कैटेगरी है वो अभी हम पूछ के बताएंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी यहाँ पर है एक डोम ये है ये मतलब इसमें चार पांच सिटिंग अरेंजमेंट है और आप यहाँ से कहीं से भी जा सकते हैं और पूरा काफ़ी मतलब कम से कम ये डेढ़ सौ लोगों की सिटिंग का रेस्टोरेंट यहाँ पर इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है यहाँ पर आपको बार मेन्यू भी मिल जाएगा बार कम रेस्टोरेंट है ये आई थिंक मैं सही हूँ ना ठीक है तो ये वाली चीज़ है तो आज है ना इसका पूरा टूर आपको कराने वाले हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं आ जाओ वैन ठीक है तो ये यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ नीचे भी इनकी जो अरेंजमेंट है सिटिंग अरेंजमेंट वो नीचे भी है यहाँ पर और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर अरे लो यार ठीक है ये यहाँ से कुछ व्यू है जो आप जॉय कर सकते हैं ये देख सकते हैं अभी हमें यहाँ पे भैया मिले हैं ये लाइव म्यूजिक प्ले करते हैं अभी आपका नाम बता दीजिए इदरीस खान अच्छा तो कौन सा आ, गाना प्ले करने वाले हैं अभी हमारे लिए आप मैं चौधरी ठीक है हाँ ठीक है एक बार प्ले कर दो यार जाओ जी, उमर रीद कराओ गाइज अभी है ना यहाँ मतलब कि ना अलग अलग सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर है ठीक है यहाँ पर एक जहाँ सबसे पहले हम वहाँ जाएंगे वो थोड़ा सा वो दिख रहा है वो गोला सा उसके अंदर चार पांच सीटिंग अरेंजमेंट है और यहाँ पर ये इसमें यहाँ पर भी है थोड़ा वो सीटिंग अरेंजमेंट आप मेरे पीछे देख सकते हैं और एक वहाँ पर भी है मतलब कि आप व्यू देखेंगे ना तो व्यू तो आपको सब जगह से सेम आएगा वो है कि इसी को अगर प्राइवेट डाइनिंग चाहिए है ना तो उसके लिए अलग से इनका जो भी पैकेज वगैरह रहता है वो मैं अभी आपको बता दूंगा और यहाँ पे देखो नीचे पड़ाव बार है और एक रेस्टोरेंट है ठीक है तो इनमें जो आप बाहर से टिकट लेंगे एंट्री टिकट है ना उसमें आपको वेलकम ड्रिंक वगैरह है ना ये उसमें इंक्लूड होती है ठीक है जेब में मत रख लीजिएगा जब आएंगे यहाँ पर उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर लेना क्योंकि वो इंक्लूड है इनमें वेलकम ड्रिंक वगैरह पानी की बॉटल अलग से परचेज़ करनी पड़ेगी आपको पहले बता रहा हूँ मैं ठीक है सो असरवाइज यहाँ का जो सनसेट है ना वो कुछ ऐसा दिखता है मेरे पीछे आप देख सकते हैं ठीक है तो आप जब भी आओ ना तो यहाँ पर सनसेट का टाइम होता है साढ़े चार से पाँच लगभग आप आ जाओ यहाँ पर तो आपको बेस्ट फोटो के लिए यहाँ पर जो प्रॉपर लाइटिंग वगैरह है ना वो दिख जाएगी प्लस आप जो नाइट का जो सीन है ना यहाँ पर जो सिटी नाइट का जो बेस्ट व्यू पॉइंट भी इसको बताते हैं तो वो तो अभी हम आगे आने वाले भी टाइम में एक्सपीरियंस कर लेंगे थोड़ी देर रुकेंगे तो अंधेरा होने ही वाला है ठीक है तो उसके बाद हम आपको नाइट का व्यू भी दिखाएंगे तो हमने जो टाइम स्लॉट है ना वो ऐसे चूज़ किया कि हम डे और नाइट है ना दोनों का है ना आपको एक्सपीरियंस है ना यहाँ का वो बता सके और अभी यहाँ पे देखिए काफ़ी बढ़िया जो नज़ारा है ना वो आप यहाँ पे जयपुर का देख सकते हैं पूरा जयपुर का है ना एक आप कह लीजिए पनोरमा जो है ना उसका व्यू आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ से लेकर मतलब अभी टू सेवेंटी डिग्री तो मेरे सामने आप देख सकते हैं ठीक है और ये मिस्टर बैन राठौड़ा ये स्नैप चैट वगैरह बना रहे हैं और यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी सपोर्टिव है हमें भैया भी मिले थे ठीक है इन्होंने भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है मेरी भी आपका नाम बता दीजिए एक बार मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा है दिनेश कुमार शर्मा और ये हमारे नए फ्रेंड बने अभी स्विट्जरलैंड से सो uh, so, <laughs> <laughs> so, इन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस अभी शेयर किया है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो तो टाइम uh, लैब्स ये लेने सोइ so, अभी हम थोड़ा सा ना नीचे जा रहे हैं और नीचे जाके भी आपको बताएंगे ना कि कौन सा व्यू वहाँ से दिखता है क्योंकि अभी है ना सनसेट होने वाला है और सनसेट होने से पहले हम वहाँ पहुँचेंगे और आपको बेस्ट टू बेस्ट चीज़ जो आज दिखाने वाला है ना वो पड़ाव रेस्टोरेंट की पूरा एक्सप्लोर करने वाला आपको एक भी वीडियो में ना पूरा नहीं मिलेगा ठीक है तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट है यहाँ पे आप फोटो क्लिक करा सकते हैं और ये बेस्ट पॉइंट है और अभी हम यहाँ पे भी चढ़ के और फोटो क्लिक करवाएंगे और कुछ सिटी का व्यू देखो ऐसा दिखता है सो so गाइज़ आप काउंट स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब जो व्यू आने वाला है ना वो बेस्ट टू बेस्ट नाहरगढ़ का व्यू आपके पास आने वाला है डिस्काउंट वन टू एंड थ्री ये देखिए ये पूरे नाहरगढ़ का व्यू है ये देखिए इसके लिए है ना यहाँ पे ना ये पड़ाव रेस्टोरेंट फेमस है ये देखिए पूरा सनसेट का नज़ारा पूरा जयपुर देखिए एक नारंगी कलर जो भगवा कलर होता है ना उसमें पूरा जयपुर ढका हुआ है और आप देखें पूरा जयपुर का एक पेनरोमिक जो व्यू है ना वो आपको यहाँ से मिलेगा काफ़ी बेस्ट जो फीलिंग है ना यहाँ पर है बैन राठौड़ कैसा फील हो रहा आपको? है आपको बढ़िया है ना व्यू अच्छा है ना जो अपने सौ रुपये दिए ना यहाँ के एंट्री के लिए वो वर्थ इट है कि नहीं है देखिए क्या होता है ना कि अगर यहाँ पर है ना आपको एंट्री फ्री मिल जाएगी सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए आप कुछ खाने खाना तो यहाँ पे भीड़ काफ़ी लग जाएगी तो आपको ना तो आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं ना आप यहाँ पर आ, जो सुकून लेने आते हैं ना वो आप यहाँ पे नहीं ले पाएंगे ठीक है तो इसलिए एंट्री है बट उसमें भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे तो वो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ठीक है सो गाइज ये है वो पीक टाइम जो यहाँ के लिए फ़ेमस है मतलब कि जो सनसेट है वो अपने बिल्कुल पिक टाइम पे है आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर अंधेरा है और मैंने कैमरे की सेटिंग वैसे ही कर रखी है आपको प्रॉपर सनसेट यहाँ पे दिख जाए सो गाइज यहाँ से ना जाने का मन ही नहीं कर रहा ये देखो ये रील रिकॉर्ड कर रहा है पीछे और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं मतलब लिमिटेड लोग यहाँ पर आते हैं मतलब इतना भीड़ नहीं मिलेगा आपको अगर आप परफेक्ट फ़ोटो क्लिक करने आ रहे हैं ना तो डेफिनेटली यू कैन कम हेयर एंड क्लिक द फोटोज अभी हमने जो है सनसेट uh, देख लिया सन जा चुका है और अभी हम करते हैं दूसरे पार्ट एक्सप्लोर यहाँ से भाई खुफिया रास्ता है क्या तो रहा है। यो मैन चलो यहाँ से चलते हैं पर तू तो दिख दीखे, ही नहीं अब दिखेगा देखो ये आगे जा रहा है ये मेरा रास्ता क्लियर कर रहा है ठीक है ये लो क्या कहता है कि भाई मेरी फोटो ले ले मेरी रील ले ले मेरी फोटो ले ले रील ले 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 ली अब ये दूसरा पार्ट है नीचे वाला पार्ट है ठीक है रेस्टोरेंट का यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट और बार दोनों के जो काउंटर है ना वो मिल जाएंगे और भैया ऊपर भी जा सकते क्या वहाँ पे भी कहीं पे भी जा सकते हैं ना जी, जी ठीक है तो ये इनका रेस्टोरेंट का काउंटर है और ये इनका बार का काउंटर है ठीक है और प्राइस आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ ये प्राइस देख सकते हैं आप और वैसे तो आपको एक बार स्क्रीन ले लीजिएगा ये प्राइज है सारी है ना तो यहाँ का जो मेन्यू है ना वो मैंने आपको दिखा दिया है और यहाँ पे आपको कंप्लीट अब बार यहाँ पर आपको मिलेगा ठीक है और यहाँ पर देखिए फैसिलिटीज हैं तो आप देख सकते हैं ठीक है प्राइज यहाँ पर है ना चार कैटेगरी है एक ये स्मॉल बुर्ज है ये बिग बुर्ज है और अगर आपको प्राइवेट डाइनिंग के लिए जैसे कि बुक कराना है ना तो ये आप बुक करा सकते हैं अभी इसके ऊपर चल के हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आ, मतलब कि कैसा क्या है और ये ये वी आई पी बुर्ज है ठीक है तो वी आई पी बुर्ज में भी एक बार जाके आपको बता देते हैं क्योंकि यहाँ के हमने जो ऑथराइजेशन है मतलब जो ऑथराइज जो लोग हैं उनसे बात की है और उन्होंने हमको अलाउ किया है यहाँ पर वैसे आप आएंगे ना तो आपको रिजर्व करना पड़ेगा पहले मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है सो so, ये यह यहाँ का प्राइवेट जो डाइनिंग एरिया आप बता सकते हैं वो यहाँ का है और मैं आपको बता बात बता दूँ ये आर का है ये देखिए राजस्थान टूरिज्म का लोगो लग रखा है तो मतलब कि ये पूरी प्रॉपर्टी है ना गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है अभी हम हैं यहाँ पे वीआईपी बुर्ज है मतलब कि यहाँ पे तीन से चार लोगों की प्राइवेट सिटिंग है जो कि आपको रिजर्व कराने पर ही मिलती है और काफ़ी यहाँ से व्यू भी है ना वो भी एक अलग सा व्यू यहाँ पर आ रहा है तो एक बार मैं आपको कैमरा दूसरी साइड करके व्यू भी दिखा देता हूँ देखिए

सो uh, सोगाइज़ so अभी देखिए हमारी जो सीटिंग है ना वो सबसे महंगी सीटिंग है यहाँ की ठीक है और बाकी देखिए वहाँ पे मतलब चार पांच सीटिंग वहाँ पर है और 25-30 यहाँ पर है और 25-30 यहाँ पर है हमारी जो है ना वो प्राइवेट है क्योंकि हमको यहाँ पे है ना एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ के जो मैनेजर है उन्होंने आ, परमिशन दी है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है मैं थोड़ा चश्मा लगा लेता हूँ ये देखिए तो अभी मतलब कि शाम होने वाली है मतलब कि अभी है ना धीरे धीरे लाइटिंग जो है वो हो गई है शहर में तो धीरे धीरे है ना आपको पता चलेगा कि कैसा है रात का भी व्यू रहता है ना वो और यहाँ पे लाइटिंग अंदर की जो लाइटिंग है ना वो भी काफ़ी प्यारी है और वो लाइटिंग में मैं आपको थोड़ा सा से बता देता हूँ यहाँ से देखिए पूरे जो है पड़ाव रेस्टोरेंट की जो लाइटिंग है वो ऑन हो चुकी है और आप देखेंगे कितना प्यारा दिख रहा है मतलब देखिए मतलब लाइटिंग भी प्रॉपर तरीके से की गई है और एकदम से ना आपका मतलब बैठने का है ना मन कर जाएगा यहाँ पर आप जब आए प्लीज़ रात में देख ही सकते हैं आप कैसा यहाँ पे व्यू वगैरह है और यहाँ पर और यहाँ पर मतलब आप आएंगे ना तो आपका एक दो घंटा तो आराम से यहाँ पे पास हो जाएगा और बहुत ही शानदार मतलब साफ़ सफाई भी काफ़ी ऐसे नहीं गवर्नमेंट तो साफ़ सफ़ाई नहीं है साफ़ सफ़ाई है अलग अलग टाइप के यहाँ पर सिटिंग्स अरेंजमेंट आपको दिए गए हैं आप चाहे आ, आप हट के नीचे बैठिए आप खुले में बैठिए आप बुर्ज पर बैठिए आप प्राइवेट डाइनिंग यहाँ पर बुक कीजिए जो प्राइवेट बुर्ज है वो वाला वहाँ पर भी आप देख सकते हैं और देखिए और यहाँ से आ, हम आए थे यहाँ से हमारी एंट्री हुई थी और हम यहाँ से गए थे और हम एग्जिट हमने यहाँ से लिए देखो कितना प्यारा अभी देखिए कितना प्यारा यहाँ से व्यू आप देख सकते हैं so सोगाइाइज एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप 5:30 तक आते हैं ना तो आपको गाड़ी फोर्ट के उधर जहाँ पर पार्किंग एरिया वहाँ पे खड़ी करनी पड़ेगी फाइव थर्टी के बाद वो बैरियर हट जाता है आप अपनी गाड़ी सीधे पड़ाव रेस्टोरेंट तक लेके आ सकते हैं और ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है ये किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगी सिर्फ इसी वीडियो में मिलेगी ठीक है तो जो भी जेन्यन इन्फॉर्मेशन है ना वो सारी मैंने आपको दी है सो आई होप गाइज कि आपको जो वीडियो है ना पड़ाव रेस्टोरेंट की वो हमने बनाई है तो आपको पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आती है ना तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को शेयर और लाइक कर देना यार क्योंकि है ना जयपुर के बारे में अनएक्सप्लोर कॉन्टेंट जो होता है ना बिल्कुल डिटेल कॉन्टेंट और वो मैं मेरे चैनल पर डालता हूँ और आज मेरे साथ बैन था तो इसका भी एक्सपीरियंस नहीं उतर रहा उसका चश्मा तो नहीं उतर और है ना किसने ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया ना तो इसका बैन राठौड़ है और मेरा एम आई एस टी आर अंडर स्कोर अंडर जयपुर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पर आप रॉ फुटेज रील्स वगैरह जो भी जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है ना वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ तो आप वहाँ पर जाके चैनल मतलब जो मेरा यूट्यूब है उसको सॉरी मेरा इंस्टाग्राम है वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं इसी के साथ आज का वीडियो है ना हम समाप्त करते हैं नमस्कार जय हिंद